सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 25 फीट बाय 35 फीट का एक हाउस प्लान। इसमें आपको मैं फूटिंग का साइज भी बताऊंगा, मिनिमम आपको फूटिंग कितना रखना है जिससे आपका घर मतलब आगे चल के अगर 2 स्टोरी का 3 स्टोरी का आप बना रहे हो तो वो सेटलमेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा, और ये प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है जिससे ये प्लान और भी बेहतर हो जाता है। तो देखो, अगर आप सिंगल स्टोरी का घर बना रहे हो तो मिनिमम आपको 1000 mm से 1200 mm तक उसका डेप्थ रखना ही रखना है मतलब। और अगर सेकेंड डबल स्टोरी का घर बना रहे हो तो मतलब 1200 mm से आपको 1800 mm तक रखना ही रखना है। इससे अगर आपको अगर मान लो सेटलमेंट के भी चांसेस रहते हैं तो ये बहुत कम हो जाता है उससे, क्योंकि आपके फाउंडेशन पे ही सब निर्भर करता है। और अगर हो सके तो मतलब सारे फाउंडेशन का साइज मतलब एक ही मतलब डेप्थ जो है वो सब फाउंडेशन का सेम ही रखो, क्योंकि वो भी एक पॉइंट हो जाता है, उसके भी कई एडवांटेज हैं। और इसमें जो PCC आप करोगे वो 75 से 100 mm तक होना ही होना चाहिए, क्योंकि आपका बेस वो है, वो उसके बाद से आपका वो RCC करके आप उसमें कॉलम्स मतलब फुटिंग्स लगा सकते हो। PCC का फुल फॉर्म होता है प्लान सीमेंट कंक्रीट, जो हमारा बेस बना होता है ना उसको हम PCC कहते हैं। एंड अगला पॉइंट है हमारा, ये इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद से हम बढ़ते हैं प्लिंथ बीम की तरफ। प्लिंथ बीम देखो घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये क्रैक्स होने से आपको बचाता है। एंड मतलब घर में पानी वानी घुसने से ये सब। तो प्लिंथ बीम का हाइट मतलब इतना रखो कि अगर आप रोड के बाजू में बनवा रहे हो तो उससे मतलब रोड से 600-700 मतलब उससे हाइट पे ही रखो, क्योंकि आगे जो रोड बनेगा वो सब अगर बारिश होगी तो पानी आपके घर में ही आएगा। तो ये सब है। उसके बाद से चलो, तो अपना प्लान बन के रेडी हो चुका है। चलो मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट एंटर करेंगे अपने घर के अंदर, तो पहला ये वेटिंग हॉल का प्रोविज़न क्या है यहाँ पे, 8 feet 4 inch वाइड रखा है मैंने इसको। एंड यहाँ पे डोर, उसके बाद से ये पूजा रूम 6 feet by 5 feet का ये रखा है मैंने। उसके बाद से अपना ये 3 feet 6 inch वाइड लॉन। एंड देन यहाँ पे आप अपना मेन डोर रख सकते हो, यहाँ पे मैंने रखा है। उसके बाद से यहाँ से स्टेयर अप 3 feet का आपका लैंडिंग रहेगा। एंड 5 feet 10 inch इसको वाइड रखा है मैंने। एंड यहाँ से मतलब इसको वाइड 6 feet 10 inch वाइड रखा है मैंने। और यहाँ पे जो स्पेस आएगा, स्पेस बच रहा है 4 feet 11 inch का। उसके बाद से यहाँ पे डोर ये है अपना ड्राइंग कम लिविंग हॉल 12 feet 1 inch by 13 feet 9 inch का। उसके बाद से यहाँ पे डोर। एंड दिस इज़ और किचन कम डाइनिंग 13 feet 9 inch by 8 feet का रखा है। और ये अपना बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है 10 feet by 12 feet 4 inch का। एंड दिस इज़ और बाथ कम लैट्रिन जिसका साइज मैंने रखा है 10 feet by 5 feet का। उसके बाद से अपना ये बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है 10 feet by 12 feet 6 inch का। सो यहाँ पे मैं इसका विंडो पोजीशन एंड वेंटिलेशन का पोजीशन में यहाँ पे शो कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी। और प्लान कैसा लगा।